चलिए दोस्तों, तो आज मैं आपको ले चलता हूँ इंडियन ओशन से उत्तरी ओर में, गुजरात के एक तट जामनगर, जिसे आयुर्वेद का कैपिटल भी कहा जाता है। इधर ITRA नामक एक आयुर्वेद कॉलेज है, जिसे आज से तकरीबन 70 साल पहले श्रीमती गुलाब कुंवर व और उनके हस्बैंड ने स्थापित किया था। आज ये विश्व प्रसिद्ध आयुर्वेदिक कॉलेज ITRA या गुजरात आयुर्वेदिक यूनिवर्सिटी के नाम से फेमस है। यहाँ कनाडा, रसिया, USA, स्विट्ज़रलैंड, नीदरलैंड एट्सेट्रा काफ़ी कंट्रीज से स्टूडेंट्स पढ़ने आते हैं। IPGTRAWHO द्वारा सर्टिफाइड है और ये इसका कोलैबोरेशन WHO के साथ है, जिससे ये फॉरेन स्टूडेंट्स को भी पढ़ाता है। ये मैन्युफैक्चरिंग में भी आगे बढ़ रहा है और अपने नाम पर काफ़ी पेटेंट कर चुका है और पेटेंट में भी बहुत डेवलप हो रहा है। इस यूनिवर्सिटी में काफ़ी सारे कॉलेजेस हैं, जिसमें से श्री गुलाब कुंवर आयुर्वेदिक महाविद्यालय BAMS AUG के लिए, इंस्टीट्यूट फॉर पोस्ट ग्रेजुएट एंड रिसर्च PG के लिए, एंड आयुर्वेदिक फार्मास्यूटिकल साइंसेस दोनों के लिए है। और इधर डी फार्म, बी फार्म भी हो, एम फार्म तक होता है। इधर ये कॉलेज और 10 गुजरात के कॉलेज से जुड़ा हुआ है और यहाँ तक कि विश्व के काफ़ी कॉलेज से भी जुड़ा हुआ है। इसने काफ़ी MOU साइन किए हैं इंडिया और वर्ल्ड के कॉलेज के साथ। यहाँ तक कि ये पांडुलिपियों को भी डिजिटाइजेशन कर रहा है। 900 से भी अधिक पांडुलिपियों को इसने 1,00,000 से भी ज़्यादा पेजेस पर लिखकर डिजिटल फॉर्म में जनरेट किया हुआ है और ये इसकी वेबसाइट पर अपलोडेड है, जिससे आप फ्री में पढ़ सकते हैं। यहाँ पर लेबोरेटरीज भी काफ़ी डेवलप हैं, जैसे कि बायोकेमिस्ट्री, माइक्रोबायोलॉजिस्ट, ब्लड टेस्ट, अल्ट्रासोनोग्राफी, एक्सरे या फिर सिटी स्कैन और MRI में भी जाने की आशाएं हैं। और ये जो भी रिसर्च करता है अपनी मैगजीन में देता है। और यहाँ की लाइब्रेरी में भी काफ़ी सारी बुक्स हैं, बच्चे यहाँ पर बैठकर सुबह से शाम तक पढ़ सकते हैं। फुल्ली फर्निश्ड एंड फुल्ली AC लाइब्रेरी है और यहाँ तक कि यहाँ पर लाइब्रेरी से जुड़ा हुआ IT सेंटर भी है, जहाँ पर बच्चे कंप्यूटर में पूरे वर्ल्ड की नॉलेज ले सकते हैं। काफ़ी कंप्यूटर्स रखे हुए हैं। आयुर्वेद की बात आती है तो अच्छी औषधि बनाने की प्रक्रिया और सही जड़ी बूटी का चुनाव जरूरी है, इसलिए यहाँ पर नर्सरी जीवित औषधीय गुण वाले पौधे लगाए हुए हैं। यहाँ पर इनकी नर्सरी काफ़ी डेवलप्ड है, हर जगह हरियाली हरियाली है। यहाँ पर UG और PG, यहाँ तक कि M.Pharm, MSc के छात्र भी रिसर्च कर सकते हैं। यहाँ की हॉस्पिटल में रोज़ाना काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं पूरे गुजरात, यहाँ तक कि पड़ोसी राज्यों से भी। सुबह में यहाँ पर प्रतिदिन योगा होता है। यहाँ पर पीडियाट्रिक्स और गायनेकोलॉजिस्ट, ENT, ईयर, डेंटिस्ट्री और सर्जरी भी की जाती है, माइनर टू मेजर। और सर्जरी में यहाँ पर आगे भी बढ़ रहे हैं, यह जनरल OPD है। काफ़ी सारे पेशेंट्स आते हैं रोज़ाना इधर दिखाने के लिए। यहाँ पर पंचकर्मा की एक अलग ही बिल्डिंग बनाई हुई है, हर तरीके के पंचकर्म यहाँ होता है।
यह कुटीर कायाकल्प जो कि एक विशेष आयुर्वेदिक पद्धति है, यहाँ पर आपको आराम से मिल जाएगी। धन्यवाद।